आपको खबर बताने और खबर यह आ रही है कि मुंबई में हाई टाइड की चेतावनी दी गई है। अब से दो मिनट के अंदर हाई टाइड की चेतावनी, मुंबई में 11:39 पर हाई टाइड की चेतावनी है। 4.51 मीटर हाई टाइड की आशंका। अमृता शेडगे हमारे साथ है। अमृता, क्या हाल है मुंबई का? देखिए, मैं अभी वर्ली सी फेस पे हूँ। आज करीबन 11:40 का वक्त दिया गया था हाई टाइड का, और आप देख सकते हैं मेरे पीछे अभी भी बड़ी बड़ी लहरें उठते दिखाई दे रही है। ये जो हाई टाइड है वो 4.51 मीटर्स की है। जनरल वार्निंग जो है वो बीएमसी की तरफ से दी गए है कि लोग समंदर के इलाके में ना जाए, समंदरी तट से दूर रहे। लेकिन वर्ली सी फेस पर हमेशा यही नज़ारा दिखाई देता है। अभी भी कुछ बच्चे है यहाँ पर आए हुए जो इस हाई टाइड का मजा ले रहे हैं, भीगने का मजा ले रहे हैं। पुलिस यहाँ पर आके लोगों को समुद्री तट से बाहर जाने के लिए बता रही है। पुलिस हर जगह घूम रही है, बीएमसी के गार्ड है, डिजास्टर के गार्ड है, हर जगह घूम रहे हैं। जनरली जो हाई टाइड होती है 5 मीटर से ज्यादा बड़ी, वो काफी डेंजरस मानी जाती है। ये जो है वो काफी छोटी हाई टाइड मानी जा रही है। अगर इस वक्त बारिश होती तो शायद ये हाई टाइड काफी दिक्कत की बन सकती थी जो इलाके हैं समंदर से जुड़े हुए उनके लिए। लेकिन अभी बारिश फिलहाल नहीं हो रही है, जिस वजह से पानी काफी रास्ते पर आता नहीं दिखाई दे रहा है। और 5 मीटर से ज्यादा भी हाई टाइड नहीं है, 4.51 मीटर्स की हाई टाइड है। लोग अभी भी इस तरह जो हाई टाइड का मजा लेते दिखाई दे रहे हैं, पानी में भीगने का मजा लेते दिखाई दे रहे हैं, और इसीलिए पुलिस हर जगह तैनात है कि लोग ज्यादा समंदरी इलाके में अंदर ना जाए। एक और चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा कि मुंबई में हाई टाइड की चेतावनी है, और अगर बीएमसी के इंतजाम की अगर बात की जाए तो उसका क्या हाल है? जैसे मैंने आपसे कहा कि बीएमसी के इंतजाम हमेशा की तरह पुख्ता दिखाई दे रहे हैं। पुलिस हो, डिजास्टर मैनेजमेंट हो या फिर बीएमसी हो, हर जगह पर पुलिस तैनात है। इसी इलाके में थोड़ी देर पहले पुलिस आ गई थी, जो लोगों को बता रही थी कि हाई टाइड का वक्त हो गया है तो ज्यादा अंदर समंदर की तरफ ना जाए। और बाकी जो बंदोबस्त की गए हैं वो है, डिजास्टर के गार्ड है हर जगह तैनात। सिर्फ ये इलाका नहीं, जुहू चौपाटी हो, गिरगांव चौपाटी हो, हर जगह पर बीएमसी के गार्ड, डिजास्टर के गार्ड और पुलिस है, ताकि ये देख सके कि लोग अंदर इस वक्त ना जाए क्योंकि हाई टाइड का वक्त है। ये जो बंदोबस्त है वो हमेशा किए जाते हैं, लेकिन लोग इसके बावजूद लोग जो है वो हाई टाइड का और बारिश का मजा लेने के लिए हर जगह पहुंच जाते हैं। ऐसे में थोड़ा दिक्कत का काम है बीएमसी के गार्ड्स और पुलिस के लिए कि लोगों को इस एरिया से दूर रखे। मैं एक और चीज जानना चाहूंगा आपसे, ये हाई टाइड का वक्त हो चुका है, पीछे देख के क्या लग रहा है आपको? देखिए, हाई टाइड का वक्त तो हो चुका है और करीबन आधा घंटे पहले से ही लहरें उठना शुरू हो गया था। अभी भी समंदर में हम देख सकते हैं, हमेशा ये नजारा नहीं दिखाई देता। मुंबई की जो बात करें तो समंदर हमेशा लोगों के एक जीवन का हिस्सा बनता दिखाई देता है यहाँ पर, लेकिन बारिश में और हाई टाइड के वक्त में देखिए कितनी बड़ी लहरें आती दिखाई दे रही है। ये जो लहरें हैं वो हमेशा हाई टाइड के वक्त में दिखाई देगी आपको। रात के समय में भी हाई टाइड होती है, लेकिन उस वक्त का नजारा कुछ अलग होता है क्योंकि लोग ज्यादा रास्ते पर नहीं दिखते। अभी हम देख सकते हैं, देखिए हाई टाइड का वक्त हो गया है और इस वजह से काफी बड़ी बड़ी लहरें आती दिखाई दे रही है। लेकिन इससे भी बड़ी लहरें मुंबई में हमेशा देखिए हाई टाइड के वक्त में, जब 5.5 या फिर 5.8 मीटर तक लहरें ऊंची ऊंची उठती है, तो इससे भी अलग नजारे दिखाई देते हैं। लोगों को समंदरी इलाके से दूर रखना ये पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है यहाँ पर, क्योंकि हर जगह तैनात रहना, हर जगह बच्चों को पानी से दूर हटाना, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। देखिए लहरें कितनी बड़ी उठती दिखाई दे रही है, समंदर का जो स्तर है वो काफी ऊपर आ गया है, लहरें काफी जोर जोर की उठती हुई और बड़ी लहरें दिखाई दे रही है। जी अमृता, शुक्रिया इस जानकारी के लिए आपका। आने वाला था 11:39 पर, 5 मीटर भी लहर नहीं है वैसे तो आपको बता दें, लेकिन हाँ मुंबई वाले जितने भी हैं उनके सामने ये देखिए, छोटे बच्चे हैं जो समंदर किनारे किस तरीके से इसका लुत्फ उठा रहे हैं। मुंबई यकीनन समंदर के आसपास, समंदर के इर्द गिर्द जीता आया है, लेकिन हाई टाइड की वजह से ये देखें आप। अरे निश्चित तौर पर ये खूबसूरत तस्वीर है, लेकिन हाँ एहतियात के तौर पर सबको दूर रहने के लिए कहा गया है। और तकरीबन 4.5 मीटर ऊंची लहरें की बात की गई है।
मुंबई की तस्वीरें आपके सामने हैं और मुंबई में हाई टाइड की जो घोषणा की गई थी, तकरीबन 5 मीटर की तस्वीरें और ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और मुंबई के अगर टाइड टेबल की बात की जाए अगले 7 दिन के लिए, तो अच्छी खासी लोगों के लिए ये चुनौती भी है और लोगों को काफ़ी एहतियात के तौर पर भी रहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि समंदर के नज़दीक यकीनन नहीं जाना है और एक दूरी मेंटेन करके रखनी है, एक दूरी बनाकर रखनी है समंदर से। आज ही नहीं बल्कि कल भी 4.64 मीटर की हाई टाइड की चेतावनी है और वो भी तकरीबन 12 बजे के आसपास।